तो मैंने बताया 10+2 पे जो आपका निर्णय है वो कैसे बेहतर निर्णय है बेटा। सबसे पहली चीज़, एनडीए आपके पास बैक टू बैक साल में दो बार अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। इसके साथ साथ कितने बच्चों ने इसमें जेई का फॉर्म बेटा अप्लाई कर रखा है, जो भी फरवरी वाला था दोबारा जब फॉर्म आया जिसमें 12 मार्च तक अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी थी, जेई आईटी जेई का फॉर्म कितने बच्चों ने भर रखा है, जनवरी वाला किसी ने एग्ज़ाम दिया जेई का, नहीं देते आप लोग। अच्छा तो हर वीडियो में मैं आता हूँ और ऑलमोस्ट मैं कंटिन्यूस हल्ला मचाता हूँ कि भाई सुन, एनडीए के साथ साथ जेई भी दे दो, बैठ जाओ बस। मैं क्या मनाता रहता हूँ, बैठ जाओ उस एग्ज़ाम में जाके बस। 9 लाख के ऊपर रैंक तक को जो है नेवी बीटेक ने बुलाया डायरेक्ट एसएसबी के लिए और बच्चे झमाझम जा रहे हैं अपीयर होने के लिए, तो समझ सकते हो क्या परसेंटाइल उस बच्चे का रहा होगा। और इतना भी पढ़े लिखे नहीं है भाई तो बड़ा दिक्कत का विषय, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो बेसिक आना चाहिए और इतना कर लेना चाहिए। मेन का एग्ज़ाम कोई तोप नहीं है, एनडीए लेवल पे ही एक तरीके से मैथ का स्टैंडर्ड उठा के देखिए तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री है जो आपने 10+2 में मेहनत की है वो सच है, तो अगर उसमें 40% तक भी खींच ले जाओ तो काम हमारा क्या हुआ, हो गया। मैंने इसलिए बेटा जोर दिया इसको कि देखो, दो एंट्री आर्मी टीएस से, दो एंट्री बेटा नेवी टीएस से, जैसे तुम समझो ऐसे आराम से। अगर तुम लोगों ने बेटा ये फॉर्म भरा हुआ था, मैं हल्ला दिसंबर से मचा रहा हूँ, दिसंबर में मैंने कहा बच्चा फॉर्म भर दो जनवरी के लिए, क्योंकि दो मौका देता है साल भर में जेई ना बेटा, एक जनवरी मिलता भैया, एक अप्रैल में मिलता है। जनवरी में चलो अच्छा नहीं स्कोर हुआ, पता चल जाता ना अच्छा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर से फॉर्म आ जाता है बच्चा, उसको आप भर दीजिए अप्रैल वाले के लिए। अप्रैल वाला एग्जाम भी बच्चा आपका 16 अप्रैल के बाद होगा, ठीक भैया, तो 24 के आसपास शेड्यूल उसका शुरू होता है, तो उसके भी एग्जाम में बैठ जाइए। अब इसके बेनिफिट क्या आप हमसे पूछेंगे, तो जैसे बच्चा भी आपका मई में आएगा एनडीए का फॉर्म किसका आएगा, साथ ही में आर्मी टीएस भी आ जाएगा, नेवी टीएस भी आ जाएगा, और उसको भरने के लिए केवल जेई की पात्रता है। अब आर्मी टीएस में तो परसेंटेज कट ऑफ भी गिरा के 60% कर दिया, कितना कर दिया, अगर पीसीएम ग्रुप में आपका 60% है तब भी आप एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करने के लिए। हाँ, नेवी टेक के लिए अभी भी 70 रखा हुआ है। अब यार पीसीएम में तो 70 आ ही जाता होगा, इतना बड़ा टास्क तो मैं नहीं बता रहा हूँ बैठ करके, अगर एनडीए आपने अपना विजन बनाया है तो। वैसे एनडीए के लिए किसी परसेंटेज की जरूरत नहीं होती, एनडीए में तो आप थर्ड क्लास भी आए तो उसको इस बात से मतलब नहीं है, दैट मीन अगर आपका 33% भी है तो एनडीए को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको बस इतना मतलब है कि आप 10+2 पास हैं। आइए, हम उनसे मतलब है, मतलब यूपीएससी एग्जाम हमारा दीजिए तब समझेंगे आप असल बहादुर हैं। तो इसी तरीके से इधर जेई है, थोड़ा परसेंटेज कट ऑफ लगा रखा है, तो ये भरे 3 फॉर्म। अब तीनों केसेस भी बैक टू बैक लग जाती है, वही पूरा शेड्यूल चलता है अगस्त सितंबर का, क्या चलता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैक्सिमम अक्टूबर चला जाता है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट शेड्यूल शुरू होता है आपका, फिर फॉर्म आ जाते हैं दिसंबर में, एनडीए भी आ जाएगा, आर्मी टीएस भी आ जाएगा, नहीं उसका एसएसबी अभी चल रहा है, टीएस 49 भी चल रहा है और 10+2 ने भी बीटेक भी चल रहा है। तो अब समझो कितना एसएसबी साल भर में मिला बच्चा आपको, 6 मिला, 3 इस हिस्से में 3 इस हिस्से में। अगर ये अप्रैल वाला भी एग्जाम में बैठ भर जाते तुम केवल बच्चा, तो तुम्हारे पास 6 मौका हो जाता, 4 तो डायरेक्ट एसएसबी हो जाती और 2 एनडीए के द्वारा हो जाती। अब 6-6 एक्सपीरियंस जो करेगा बेटा वो अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, अब 6 बार कोई नहीं फेल होता है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दैट्स वाई बी प्रिपेयर मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मेजर तलसी क्लासेस का फाउंडेशन प्रोग्राम सबसे बड़ा है पूरे देश का इस समय, एंड वी कैप्चर्ड द मैक्सिमम क्राउड इन ओवरऑल इंडिया, हम पूरे भारत का सबसे बड़ा क्राउड एनडीए फाउंडेशन में लेते हैं। रीजन एक ही स्ट्रैटेजी है, आप अभी समझो हमारे जितने फाउंडेशन के बच्चे हैं उनका हम 1 फरवरी से 12th का सिलेबस शुरू कर देते हैं, 11th में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हो जाएगा उसका टेंशन नहीं है, 31 मार्च तक क्लोज, 31 जनवरी तक क्लोज, 1 फरवरी से शुरू किए हैं, 31 अगस्त तक उनका 12th का सिलेबस खत्म कर देंगे, 11th वालों की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 3 सितंबर का जो एनडीए का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल है, और उनका पहला एनडीए एग्जाम होता है, जैसे आप सबने सितंबर छोड़ दिया और अप्रैल भी हाथ से क्या हो रहा है, अब वहाँ आने का फायदा उनको क्या मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, पहला तो वो 3 सितंबर को एनडीए फोड़ देंगे, मतलब जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब ये मैं नहीं कह दूँगा 100% फोड़ देते हैं, बट ये है कि जितने भी हमारे अच्छे फोकस्ड बच्चे हैं, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये भी होता है कि 11th 12th की उम्र सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की होती है और सबसे ज़्यादा डाइवर्जन इसी उम्र में होता है। अब जैसे आप 10+2 भी आ गए निकल के, अब आप सबसे सीरियस आदमी हैं, लेकिन अपना करियर याद करिए 11th और 12th वाला, उसमें सर मज़े मारे क्या मारे, जबकि वो सीरियसनेस अगर होती तो आज आपकी राह बहुत आसान हो जाती, लेकिन अब क्या करें, ये तो नेचर का सिस्टम है, मैं इसको सुधारने के लिए लगा हूँ, ये आपके ऊपर ही नहीं अप्लाई होता, मेरे ऊपर भी अप्लाई हुआ जिंदगी में, वन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तो हमको कहा था फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, तो मतलब ऐसा मतलब माइंड सेट सेट किया गया था, तो हम मस्त तैयार हो जाएगा क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, 12th में जाके सीरियसनेस आई, और जब तक सीरियसनेस तब तक समय ही नहीं भाई, आपका टारगेट लगा हुआ है सामने, बट रदर ऑन मेहनत की उसके बाद एंड थिंग्स आर कवर्ड, फिर चीज़ें कवर हो गई, ऐसी कोई बात नहीं हुई।
अभी जो ट्वेल्थ का बच्चा हमारा है आपके साथ ये 3 सितंबर भी देने जा रहा है, वो जेई भी जनवरी में बैठेगा और मार्च में बोर्ड एग्जाम दे रहा है और अप्रैल में फिर से एनडीए दे रहा है बैठ करके। तो एकदम सेट प्लान करके हम लोग चलते हैं। एक तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई कमीशन कैटेगरी की, बाकी बच्चों को हम नॉन कमीशन के लिए भी मोटिवेट करते हैं। हम ये नहीं कहते ज्वाइन करो ना करो तुम्हारा चॉइस है, बट एग्ज़ाम सब देना चाहिए। एग्ज़ाम देने से क्या मिलता है बच्चा आपको? एक्सपीरियंस मिलता है। हर आदमी के अपने परिवार की आर्थिक स्थितियाँ भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग तरह से चीज़ें। तो मैं भरता हूँ कि आर्मी भरे रहो, नेवी भी डाले रहो, एयरफोर्स भी डाले रहो, ICG भी डाले रहो, मतलब 10-12 मौके उधर भी हो जाते हैं। तो मतलब यार साल भर में 18 मौका मिलता है इसी 10+2 लेवल पे। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है क्या किसी इंडस्ट्री में, देश के अंदर या किसी डिपार्टमेंट में? नो डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब आदमी इतना सा सोच ले मेरे भैया, उसको कोई मतलब सफलता एक साल के अंदर कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, एक साल लगेगा, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि 6 महीने में जादू होता है, 1 साल ड्यूरेशन में लगता है, लेकिन 1 साल में अपना करियर या मैक्सिमम 1.5 साल में श्योर शॉट करके निकल जाएगा। और कमाल की बात एक देखो, इससे ज़्यादा समय भी फौज नहीं लेती है तब तक तुमको एज ओवर कर देगी। जैसे फौज में तो कोई सोचे कि बैठ करके हम 10 साल तक क्या करेंगे, जैसे भैया चाचा लोग को सुनते भी होंगे आप लोग, क्या कर रहे हैं? सिविल कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? 20 साल हो गया, 10 साल हो गया। तो ऐसा कौन से फौज में नहीं है, तुम्हारे पास गिन के 2 साल हैं। कितने साल हैं? आर या पार शुरू हो चुका है, 2023 शुरू हो चुका है, 2024 तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में रहेगा बस। हाँ, लेकिन ये है कि 2 साल में ही अगर सही से प्लानिंग बच्चा कर ले, 10th के बाद से ही या 11th के बाद ही, तो वो 36 मौका पाता है। अब 36 बार महानालायक ही फेल होगा, बाकी फेल आदमी हो नहीं सकता 36 बार ओवर। और क्लियर कट सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं कोई वैकेंसी रुक रही है, बैक टू बैक चलता है। अब हमको पता था एनडीए का एडमिट कार्ड 24 तारीख को आना है, हमको पता है एनडीए का अगला फॉर्म कब आ रहा है, हमको पता है एनडीए का एग्जाम कब है। कहो तो 2024 का भी कैलेंडर अपडेट कर दूं मैं आपको, बट द पॉइंट इज सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर एग्जाम ऐसे क्लियर है और बैक टू बैक क्लियर कट बच्चों की ज्वाइनिंग होती है। भैया 2 बैच साफ साफ बनते हैं ना बच्चा, एक बैच आपका खड़ा होता है जनवरी का और एक बैच आपका खड़ा हो जाता है अक्टूबर मंथ का। 2 शेड्यूल लोग बना के अपना क्या करते हैं, चलते हैं। अलग अलग कंपटीशन का अलग अलग, किसी किसी का अप्रैल और जुलाई भी होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी कंपटीशन है। तो बेसिकली इस तरह से इतनी अपॉर्चुनिटी है यार, एक बार बच्चा सीरियस हो जाओ ना, इससे आसान भैया कुछ है ही नहीं लाइफ में। अच्छा, कुछ आसान इससे हो तो बताओ, है कुछ और करियर इससे ज़्यादा ऑप्शन? नहीं है। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये रियल में है। देखो बेटा, जेई में अगर TS के लिए हमें अपॉर्चुनिटी लेना है, देखो NDA का JEE से लेना देना कुछ नहीं है, NDA तो अपना सेपरेट आइडेंटिटी है बच्चा, वो सेपरेट आइडेंटिटी, उससे कोई मतलब नहीं है। JEE का परसेंटाइल की बात आती, मान के चलो 40 से 50 के बीच में आ जाए, किसके बीच में आ जाए, और थोड़ा भी पढ़ा लिखा बच्चा है ना तो मार देगा इतना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इतना देखता हूँ स्कोर। अरे यार 70 मारते हैं बच्चे आराम से हंसते हुए, क्योंकि वैसे भी तुमको पता है JEE मेन में 90 के नीचे तो कोई पूछेगा नहीं तुमको, 90 के नीचे स्कोर है तो कॉलेज कोई नहीं पूछने वाले हैं। तो बच्चे का लक्ष्य कभी 50-60 होता ही नहीं, उधर लक्ष्य ही सबका क्या होता है 90, लेकिन तुमको उधर से अचार डालना है, तुमको उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा अपने पर्पज से केवल मतलब है, तो आपका पर्पज सेट हो जाता है। और कभी कभी मैं एक बात, बड़ा दुख भी मुझे ऑनेस्टली होता है इस देश के अंदर कि एक किसी भी और प्रोफेशन को लोग क्वालिफाई करते हैं, किसी भी जॉब को, तो बड़ा हल्ला मचाया जाता है, मालूम नहीं क्या तोपची काम कर दिया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसको खुल के हर मंच पे कहता भी होता हूं, मुझे दुख होता है। मैंने कहा फौज के बच्चे ने जो क्वालिफाई किया ना, उसका कंपैरिजन किसी का दुनिया में है ही नहीं। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं फौज से जुड़ा हुआ हूं या मैं फौज को बहुत एडमायर करता हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सच है। सुनो ये सच कैसा है, ये सच ऐसा है बेटा कि एक बच्चा बचपन से पैदा होता है, बढ़ता है, पलता है, हर माँ बाप का लाडला होता है। कोई नहीं चाहता माँ बाप कि अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजे, फौज में भेजे, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क तो है, बट प्राउड टू दैट पेरेंट्स, गर्व और नाज है मुझे ऐसे पेरेंट्स के ऊपर कि वो ऐसा निर्णय लेते हैं, और पेरेंट्स के साथ साथ उन बच्चों पे मुझे नाज है जो स्वयं से देश का सेवा करने का निर्णय लेते हैं। बाकी तो यार दुनिया में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन को मैं डिफेम नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है ये निर्णय लेना ही बहुत बड़ी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिशन में क्या है कि पढ़े, रिटर्न निकला, मामला ख़त्म, बन गए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक बच्चा अपने आप को बचपन से समाज के रखता है, बोले तो संभाल के रखता है, क्योंकि उसको पता है कहीं भी कोई इंजरी हुई, कोई भी गलत काम हुआ, मेरे बॉडी का कुछ भी गड़बड़ हुआ पार्ट, वो आँख से लेके कोई भी चीज़ हो बेटा, कान से लेके नाक से लेके कुछ भी एनीथिंग, वो गया। सोचो कितना सेफ्टी जोन है, वो अपने आप को पाल पोस के उस तरह से तैयार कर रहा, माँ बाप को थैंक्स, बच्चे की सिक्योरिटी वो अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, पहला। फिर उसके बाद वो UPSC जैसे एग्जाम में बैठता है,
वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री। अगर टफेस्ट एग्जाम का कंपैरिजन होता है और लोग आईएएस इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं, तो उसके बाद बात आपकी एनडीए की भी आती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, वन ऑफ द ग्रेट एंड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं बच्चा, 900 नंबर का पेपर होता है भैया, 40% कट ऑफ। हालत ख़राब है यूपीएससी की कि 40% वाला मिल जाए। अब 40% का स्कोर समझो क्या है, कि अगर उसने मैथ में 120 में से केवल 50 सही कर दिया हो, जबकि केवल इजी लेवल के जो क्वेश्चन है बच्चा उनकी संख्या है 50, जो केवल इजी लेवल के क्वेश्चन में, मीडियम और हार्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल इजी लेवल के क्वेश्चन जो है 50। जीएटी में 150 में बच्चा वो केवल जो है 60 कर दे, कितना क्या कर दे, तब भी वो 360 का आंकड़ा क्या कर लेगा, छू लेगा, जो कि बहुत बेसिक है। लेकिन उसके बावजूद 800,000 में से 8,000 बच्चा निकालने में यूपीएससी की हालत खराब है। इवन ये 40 भी नहीं जाता, बिलो 40 चला जाता है। क्या चला जाता है बच्चा, उनको जितना आंकड़ा वहां पे एसएसबी के लिए कॉल करना होता है, 8,000 मतलब 20 टाइम इनको टोटल बुलाना होता है बेटा, जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, तो लाजमी सी बात है कि 8,000 उनको बुलाना ही बुलाना है, 400 वैकेंसी है ना बच्चा, तो 8,000 निकालने में ये हालत है। तो सच समझ पा रहे हो, बैठ 800,000 लोग रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। रियलिटी क्या है इसके पीछे, कि जिस लेवल का एकेडमिक चाहिए और बच्चे का जो फोकस चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। पढ़ एनडीए बहुत रहे हैं, एग्जाम में बैठ भी बहुत रहे हैं, बट एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड है एनडीए का, जब तक उस स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पे आप नहीं जाएंगे, उनके क्वेश्चंस को नहीं अप्रोच करेंगे, तब तक बच्चा आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि जस्ट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ रट्टाफिकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन एंड नॉट फैक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन। यू रियली नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर द बेटा कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट पे बच्चा बहुत जबरदस्त काम करना होगा, एक एक चीज को क्लियर करना होगा बढ़िया ढंग से, तब जा करके आप वाकई में एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और इसका एहसास सेल्फ से आएगा बेटा। कैसे आएगा सर, कि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के जरूर अप्रोच करने हैं। अगर आप उनको लगा पाने में सक्षम हो रहे हैं तब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और कमाल की बात है कि इस बात को, इस सच को आपके अलावा और कोई नहीं जान पाएगा इस दुनिया में, इस सच को आप ही समझेंगे ओवरऑल। और जितनी जल्दी इसको सच को कबूल लेना है, समझ लेना है, उतना ही आपके हित में है, क्योंकि बेटा हर कॉम्पिटिशन का पहला स्टेप रिटर्न एग्जाम ही है। क्या है, और सब में कमाल की बात है यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ और नहीं, ये 31 जो मैथ के टॉपिक हैं बेटा यही रहने, इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यू नीड टू गो विद द वेरी रियल अप्रोच, मतलब फेकिज्म से काम नहीं चलेगा। वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं आफ्टर रिटर्न। दुनिया में क्या होता है, रिटर्न हो गया मामला खत्म, अब बच्चे की अगली जंग शुरू होती है, उसको फिजिकली भी फिट रखना है अपने आप को, कहीं से भी फिजिकल भी अनफिट नहीं हो सकता। भाई कोई भी और एग्जाम हो, अंधा लूला लंगड़ा, में किसी को डिफेंड नहीं, बट कोई भी जा सकता है, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं कि उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन चाहिए। है क्या, अब आईटीएन बनना है तुम लंगड़े हो, तुमसे कौन पूछ रहा है बैठ के, एक पंखे के नीचे बैठे, एसी के नीचे एग्जाम दिया, मामला क्या हो गया खत्म, उसके बाद कुछ करना है क्या, नहीं करना। अब यहां बच्चे को फिजिकली भी फिट रहना है, और फिजिकल तो हो गया, इसके बाद जो सबसे बड़ा टेस्ट आता है वो है पर्सनैलिटी का टेस्ट। किसका टेस्ट है बेटा, देखो हर जगह क्या है कि केवल एकेडमिक के आधार पे आदमी को चुन लिया गया, अब यहाँ केवल साइंटिस्ट आदमी नहीं चलेगा, इधर मास्टर आदमी चलेगा। तो बोले पर्सनैलिटी को भी एसेस किया जा रहा है, हर प्रोस्पेक्ट पे देख रहे हैं बैठ के, उसका देख रहे हैं ब्रेन सही है कि नहीं, फिर ब्रेन के अंदर जो जो क्वालिटी चाहिए वहाँ डिफाइंड होती है, चार क्वालिटी मांगते हैं उसमें, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फिर मांगते हैं एक अच्छा हार्ट भी चाहिए उसके अंदर, बोले तो कोऑपरेशन होना चाहिए उसके अंदर, सोशल अडैप्टेबिलिटी होना चाहिए, सोशल एडजस्टमेंट होना चाहिए, हिंदी में मतलब समाज में वो रहना सीखे, समाज को अडाप्ट करना सीखे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अडैप्टेबिलिटी आपकी कैसे चेक हुई, आप बिहार राज्य से आए, एमपी राज्य से आए, यूपी राज्य से आए, किसी भी राज्य विशेष से आप आए यहाँ, लाजमी सी बात है कि आपने अपना राज्य चेंज किया, जिला चेंज किया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप किसी नए समाज में आए हैं, अब यहाँ की अडैप्टेबिलिटी ही आपकी कैपेसिटी, बहुत लोग होंगे नहीं अडैप्ट कर पाएंगे, इसी क्लास के अंदर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब उस आदमी के अंदर सोशल अडैप्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि फौज भी मानती है कि कल को हर 3 साल बाद नए जगह पे होगे तुम, अगर तुम्हारे अंदर अडैप्ट करने की क्षमता नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। और अल्टीमेट फैक्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है बेटा कोऑपरेशन, क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद मांगता आपके अंदर किडनी, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं गुर्दा, क्या बोलते हैं,
और वैसे फौज की भाषा में कहा जाता है गट्स, क्या कहा जाता है, इस बंदे में गट्स है कि नहीं। अब गट्स में चार क्वालिटी पांच क्वालिटी मांगेंगे, क्या क्या मांगा गया सर? गट्स में आपसे मांगेंगे इनिशिएटिव लेने की क्षमता, कहीं भी कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में बात हो तो आप में इनिशिएटिव होना चाहिए। बट इनिशिएटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इनिशिएटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव इनिशिएटिव क्या है समझाता हूँ जिंदगी में आपको, जैसे एक ट्यूबलाइट खराब है, क्या खराब है, ठीक, 10 लौंडे इकट्ठा, बढ़िया से, मतलब हम लोग भी ऐसा किए हैं, लीडरशिप देखो कितना रॉन्ग जाती है कितना राइट जाती है, लाइट खराब, हाय हाय लाइट खराब, हाय हाय, वो करके लमसम 10 दिन 5 दिन लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, चल रहा है, सिस्टम चलता ही जा रहा है। अब उसी में एक रियल लीडर पैदा हुआ, उसने कहा भाई एक काम करो 5-5 रुपये दो, कितना दो, 50 रुपये का लाइट लाया, उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बिल लगाया, बिल भी पास करा के सबको वापस भी कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड द लीडरशिप। फौज ऐसे लीडर को एक्सपेक्ट करती है कि किसी भी समस्या में समस्या ना निकालें, समाधान, क्योंकि इनको पैदा ही किया गया है समस्या के सलूशन के लिए। ये जहाँ जाते हैं समस्या ही होती है, बिना समस्या के जाएंगे ही नहीं, हाँ, एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए बने ही हैं ये, तो उसके अंदर ये नेचर होना जरूरी है। तो लीडरशिप का बेसिक ये बारीक लाइन है, वो वाला नेता कहलाता है। एंड दैट्स व्हाई चल की दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेक्शन सिस्टम इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट सिलेक्शन सिस्टम है। नस नस उधाड़ उठती है हर चीज, कोई फेक आदमी टिक ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूं उसके अंदर, केवल रियल जाएगा। और आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल बनना है, फेकिज्म हमें बहुत आ चुका है, इसलिए नहीं, हम अच्छा बनने के चक्कर में, अच्छा दिखाने के चक्कर में, कंपैरिजन करने के चक्कर में, हमने जो है एक आवरण ओढ़ लिया। नहीं, आपको बेटा ट्रुथ रहना है, रियल रहना है, रियल हीरो कहे जाते हैं ना बेटा, तो रियल तो होना पड़ेगा यार, बिना रियल हुए कैसे रियल हीरो बन लेंगे हम, तो ये रियलिटी को पकड़ के चलना पड़ेगा और ये आप में होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज़ और हैं, लाइवलीनेस है, जीवंतता, हर बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप में जीने की क्षमता हो, कॉन्फिडेंस हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता हो आपके अंदर, ठीक है। फिर फाइनली स्पीड डिसीजन एबिलिटी हो, मतलब आपके अंदर भाई चल रहा है राउंड फायरिंग में है, मारना नहीं मारना है कोई और आके बताएगा क्या, इट्स योर डिसीजन। आपको सच बोलना है, सच कहना है और सच ही रहना है बेटा, जितना आप सच रहोगे उतना जीतोगे, इतना ध्यान रखना, यही आपकी पर्सनैलिटी है। और लास्ट में आता है आपका करेज, डिटर्मिनेशन और स्टैमिना, इसी को फौज की भाषा में आप पहचानते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी के नाम से। यही हैं 15 क्वालिटी जो आपके अंदर देखे जा रहे हैं। अंत में आता है लिम्स, कि बंदे में करेज है, स्टैमिना है और डिटर्मिनेशन भी है, यही चार बॉडी है, ब्रेन, हार्ट, किडनी और लिम्स। इसी प्रॉस्पेक्ट देखो पीछे लिखा हुआ है, और उसमें पूछा जाता है कैंडिडेट से कि जेंटलमैन डू यू हैव इट इन यू, क्या आप में ये है, तो कैंडिडेट को जवाब भी देना होता है, यस आई हैव इट इन मी सर, बट ये कहने के लिए भाई गट्स चाहिए, क्या चाहिए, इसको आप ऐसे कह के नहीं कर सकते हैं। यही टेस्ट है पूरा का पूरा, इसी टेस्ट को स्क्रीनिंग की भाषा में आप पहचानते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट के नाम से पहचानते हैं, इंटरव्यू के नाम से पहचानते हैं, GTO के नाम से पहचानते हैं, टिल कॉन्फ्रेंस, यही टेस्ट किया जाता है। और एक सच्चे इंसान के अंदर ये चीज़ें निकल के आती हैं, बिगेस्ट, इजिएस्ट एंड टफेस्ट, मैं इसको दोनों बोलता हूँ। अगर आप दिल के सच्चे अच्छे इंसान हैं, बहुत टफ है, बहुत टफ है बेटा। तुम सोचो किसी फेक आदमी को सिलेक्ट करके ले जाएं, 4 साल का जो रगड़ा है एकेडमी में, टिक पाएगा क्या, पहले दिन भाग उठेगा भाई। देख बाहर ज़िंदगी आसान है बच्चा, यहाँ से फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड जाने पे कितने लोगों का एक्सक्यूज़ आ जाएगा, अरे यार बड़ा दूर है भाई, वहाँ ज़िंदगी रोज़ 3:30 बजे शुरू होती है और रात 11 बजे क्या होती है, बंद होती है। लोहा बना देते हैं, क्या बना देते हैं, लोहा बना देते हैं। क्रॉस कंट्री 21 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं, 21 किलोमीटर, यहाँ 2100 मीटर नहीं दौड़ा जाता है, आप समझिए इन सब बातों को। तो वहाँ कोई और नहीं है, आप ही जाने वाले हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ अभी से निर्माण होना बच्चा बहुत ज़रूरी है, नहीं निर्माण होगा तो चैलेंजेस बढ़ेंगे।